I've graduated as an MBBS doctor recently, but जो मज़ा मुझे अब और ग्रैंड फीलिंग मिली है सफ़वा के कोर्स को ज्वाइन करने के बाद, वो सेंस ऑफ अचीवमेंट मुझे MBBS के बाद भी नहीं मिली थी। इमाम शोबा रहीमुल्लाह फरमाते हैं, कफ़ैतुकुम तदलीसु सलासतिन, अगर मैं तीन मुदल्लिस रवा से रिवायत करूँ तो तुम्हारे लिए काफ़ी होना चाहिए। अल-आमश, अबू इसहाक और कतादा। उसूल फ़िक़ा में इस्तेहसाब के बाब में हमने एक कायदा पढ़ा था, अल-यकीनु ला यज़ूलु बिश्शक, यकीन को ख़त्म करने के लिए सिर्फ यकीन ही होता है, यकीन को शक से ख़त्म नहीं किया जा सकता। कयास के सही होने के लिए असल और फरा में जो इल्लत है उसका मुश्तरक होना ज़रूरी है। तफसीर में हर इख्तलाफ तजाद का नहीं होता, ऐसे इख्तलाफ को उसूल तफसीर में इख्तलाफ तनव्वो कहते हैं। अल-मारूफ़ु बैन तुजारी कल मशरूती बैनहुम, बिजनेस के अंदर जो नॉर्म्स होते हैं अगर कुरान और सुन्नत से ना टकराएं तो शरीयत के नज़दीक उनको शरायत माना जाएगा। मैं एक यूएक्स यूआई डिज़ाइनर हूँ लेकिन अरबी जबान सीखना मुझे बिल्कुल मुश्किल नहीं लगा। इस्म फेल हर्फ हो या मोरब मबनी, माजी मुजारे अमर हो या सुलासी मुजरद और मजीद फी, ये सब सीखा जा सकता है अगर इंसान के सीने में सीखने का जज्बा मौजूद हो। एक अमल खालिस हो पर ठीक ना हो तो वो अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं होता, दूसरी तरफ अमल ठीक हो पर खालिस ना हो तो वो भी अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं होता। खालिस अमल वो है जो खास अल्लाह के लिए किया हो, और ठीक अमल वो है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक हो। قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقه في الدين, अल्लाह ताला जिस शख्स के साथ भलाई का इरादा फरमाता है उसे दीन की समझ इनायत फरमा देता है। बस यही सोचकर मैंने दीन को सीखने का सफर शुरू करा।